देख रहे हैं साबूदाना, ये छोटी छोटी दानों वाली नहीं है, एक छोटी छोटी दानों वाली आती है, मीडियम साइज का है। ये देख लीजिए साबूदाना, ये जो साबूदाना है इसका हम लोग खा रहे हैं, जो कि इसमें स्ट्रेच ज़्यादा होती है, तो इसे हम लोग पानी से 2-3 पानी से धो लेंगे। उसके बाद बनाने में क्या होगा कि जब आप बनाएंगे खीर, तो दाने दाने जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से खीर बनने के बाद भी आपको दिखेगा, ये चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले इस पानी में से धो लेते हैं। ये देखिए कितना वाइट वाइट है, इसका जो पाउडर होती है ना, पाउडर ये देखिए निकल रही है कितना सारा। तो पाउडर को सारा स्ट्रेच जितना है ना सब बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए साबूदाना को इस तरह से भिगो कर रखना है, पानी को हल्की सा 1 इंच ऊपर रखनी है, ताकि जब भिगो जाए फूल जाए तो अच्छी तरह से पानी मेंटेनेंस हो जाए इधर। और ये देखिए हमारा गंदगी उधर निकाल कर रखा है हमने सारा कुछ, 2-3 पानी से आपको स्ट्रेच जो है ना सारा कुछ निकल जाती है। और पानी डालने के साथ इस तरह से आपको वाइट पूरा क्लियर आपको दिखता है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको रख लेनी है भिगो कर, और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिए बहुत ही फ्रेश एकदम गल सा गया है, ये देखिए हाथ से चिपक रहा है। ये पूरा हमारा ये साबूदाना है जो पूरा गल गई है, बिल्कुल भीग चुका है, पानी जो था इसमें आप देख सकते हैं पानी पूरा सोख गई है इसी में। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना था जितना हमने बताया था, पानी अगर आप उतना ही रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह ये रेसिपी बनने के लिए तैयार रेडी हो गई है। तो इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये देख सकते हैं, तो कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसके लिए सबसे पहले हम घी लेंगे, चाहे तो आप रिफाइंड या, लेकिन यहाँ पे घी ले रहे हैं, ज़्यादा टेस्टी आती है। तो यहाँ पे घी डालने के लिए पूरा ये जो है आपका साबूदाना, तो ये चिपकती है साइड साइड में, तो इसके लिए जो घी है सारा घी को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सब सागरों जितना भी दिख रहा है आपको किनारा सभी तरफ लगा लेंगे इस तरह से करके। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट से देख सकते हैं, काजू, पिस्ता और ये छुएड़ा, तो इसको हल्की डीप फ्राई कर लेंगे। हल्की डीप फ्राई करेंगे ताकि ज़्यादा जलने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हल्की डीप फ्राई कर लेते हैं, ये हमारा ड्राई फ्राई हो गया, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं 2 चम्मच घी लेती हूँ साबूदाना को फ्राई करने के लिए, जिससे अच्छी तरह से फ्राई को हल्की गर्म होने देती हूँ। घी गर्म हो चुकी है और ये जो साबूदाने हमने भिगो के रखी थी वो कढ़ाई में फ्राई कर लेती हूँ डालकर। मीडियम आंच में फ्राई करनी है ताकि जल ना जाए, चिपक ना जाए। साबूदाने अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें मैं दूध डाल देती हूँ, जिसके लिए हमने दूध ये गर्म ली है, गर्म दूध डाल रही हूँ। अरे ये दूध डाल गए इसमें, ठीक है, बस। और ये हमारा चीनी इधर आ गया मीठी, जितना आप जैसे भी मीठा खाने के इच्छुक रखते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद आप चाहें तो इसे ड्राई रख सकते हैं या तो ग्रेवी रख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई रखनी है, क्योंकि अभी देख लीजिए आप कितना ग्रेवी है। और ये जो देखिए हमने जो पानी में फुलाया था साबूदाने को, किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम आती है कि फट जाती है, तो किन्हीं का एक ही में चिपक जाते हैं, लेकिन हमारा दाना दाना जैसा है आप देख सकते हैं ना, फाटा है ना, एक में चिपका है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, आप इस तरह से पानी में अगर बनाएंगे उबाल करके, एक भी नहीं फटा है आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसे चलाते रहिए ताकि अंदर में चिपके ना। और बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है, जो कि आप यकीन ना करो, बहुत ही टेस्ट लगे खाने में साबूदाना का जो हमारा खीर बना है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग बोलेंगे तो साबूदाना का खिचड़ी भी आएगी हमारे पास। तो ये हल्का हम
ये हल्का हमने चला दिया है। उसके टेस्ट के लिए, सुगंध के लिए हमने दो इलायची लिए हैं, बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी थोड़ी सी ला देती है, ठीक है ना। तो इलायची यहाँ पे हमने डाल दिया इसके। तो साबूदाना का खीर रेडी हो गई है, गाढ़ा हो गई है, जिस तरह हमारा पहले ग्रेवी था उस तरह नहीं है, ड्राई हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स तैयार किए थे, ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये हमने इसी में डालना है। तो इसमें डाल देते हैं और अब मिला देता हूँ अच्छी तरह से, और ये हमारा साबूदाना का जो खीर है वो रेडी हो चुकी है हमारा। तो कैसे लगे वीडियो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर पे बना सकते हैं साबूदाना का खीर। अगर आपके घर मेहमान आते हैं, किस तरह का परिवार आते हैं, रिलेशनशिप से आते हैं, तो खाएंगे तो आपको वाहवाही तो करेंगे ही, और काफ़ी टेस्ट भी आएगी खाने में, क्योंकि चावल का खीर तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन ये साबूदाना का खीर आप खाएंगे एक बार, बहुत ही अच्छी लगेगी, जो कि टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने को। तो ये देख लीजिए, हमारा साबूदाना भी फटा नहीं है, आप इस तरह से बनाइए पानी में।